वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हुए कुछ इस तरह के एक्सेप्शन्स आ जाती हैं क्रोमियम और कॉपर की, जिसके अंदर की जो हमारे रूल्स थे वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल्स देखोगे क्रोमियम और कॉपर में, तो किस तरह से उसमें हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की जो स्टेबिलिटी आ जाती है तो कैसे आ जाती है, तो यही सब जो है हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। और कल जो है हमने इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स की 1 to 30 एटॉमिक नंबर्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भरना सीखा था। और आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देखें और आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप कर रहे थे 3D ऑर्बिटल्स के, जहाँ पर आ गए हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे फिलअप करेंगे। वैनेडियम के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पर 4s2 3d3 हो रहा है, तो क्रोमियम के लिए क्या होना चाहिए था, 4s2 3d4। लेकिन हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन 4s का यहाँ से निकलकर 3d में चला गया और 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, जो कि उसको सारे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, वो एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक स्टेबिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमने पढ़ा था कि क्रोमियम के अंदर ऐसा हो जा रहा है जो कि सारे रूल्स को यहाँ पर तोड़ दे रहा है। ठीक है, और सेकंड जो हम एक्सेप्शन जो बात कर रहे हैं वो है कॉपर की। तो कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 29 एटॉमिक नंबर के लिए क्या होगी, आर्गन में 4s, आर्गन के बाद 4s1 और 3d10। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर 4s से जाके जंप कर जा रहा है 3d में। तो 3d के अंदर तो फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गए सारे और 4s जो है सिंगली ऑक्यूपाइड है। अब ये जो फुल फिल्ड सारे ऑर्बिटल्स यहाँ पर 3d की सबशेल में हो गए हैं, वो उसको सिमेट्री प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि स्टेबिलिटी आ रही है, इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है। तो हमें आज पढ़ना क्या है कि ये हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबिलिटी जो है वो आई क्यों। सिमेट्री तो आपने पढ़ा ही कि सिमेट्री रीजन से होगा, लेकिन सिमेट्री रीजन से क्यों होगा, ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो इसका कारण ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप कर रहे हैं एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है। जैसे कि 3D और 4s के अंदर एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर सकते हैं कहाँ से, जिसकी एनर्जी कम है, टू द सबशेल इन विच द एनर्जी इज हायर। लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में वो जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपको जब ऑफकोर्स रूल में आपने वो देखा होगा, हमने कैसे उसको मेमोरी एड से बनाया था, 3D 4s कहाँ पर आएंगे, तो ये आता तो बाद में है लेकिन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव होते हैं 4s से। तो क्रोमियम के अंदर जो है यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर जंप हो गया, तो सिमेट्री जो आ गई है, सिमेट्री से क्या आ रहा है, यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल लीड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि जो भी सिस्टम स्टेबल बनता है स्टेबिलिटी उसमें आती है। नेक्स्ट जो है कॉपर, जिसमें एटॉमिक नंबर 29 है, तो उसके अंदर भी यही हुआ कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला गया लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। ये ऑफबोज रूल में जाकर आप वीडियो को देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने ऑफबोज रूल का जो है वीडियो डाला हुआ है कि 3d 4s ये कहाँ पर इनकी पोजिशन होगी, वो जो हमने बनाया था स्पायरल डायग्राम मेमोरी एड याद करने के लिए, तो उसको एक बार फॉलो कर लें वहाँ से, और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये लोअर एनर्जी लेवल है और ये हायर एनर्जी लेवल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जब रिमूव होते हैं तो वो 4s से होते हैं। ठीक है, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर चला गया, विच इज़ प्रोवाइडिंग द सिमेट्री टू द मॉलिक्यूल। अब ये जो है ये इसको सिमेट्री प्रोवाइड कर रहा है, सिमेट्री प्रोवाइड करने से स्टेबिलिटी आ गई है इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न ये सबसे पहला रीज़न जो है आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या लिखेंगे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल ऑफ 3d। 3d की जो सबशेल्स हैं उसमें हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फुलफिल्ड होने की वजह से स्टेबिलिटी आई है। द सेकेंड रीजन इज एक्सचेंज एनर्जी।
तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि एक्सचेंज एनर्जी होती क्या है असल में, एक्सचेंज एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल स्पिन के एक दूसरे से अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि जिनकी स्पिन एक जैसी है वो आपस में डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एक ही सबशेल के अपने इलेक्ट्रॉन्स में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, और जो एनर्जी वहाँ पर रिलीज होगी उस एनर्जी को बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतने ही ज़्यादा वो स्टेबिलिटी को लेकर आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंजेस जो हैं वो होने चाहिए, ताकि जो कि हमारे एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स में हो भी रहे हैं, ताकि उससे स्टेबिलिटी आ रही है। तो हम ये देखते हैं, ये आपको आना भी चाहिए कि कैसे आपने एक्सचेंज एनर्जी शो करनी है, क्योंकि 5 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कॉपर और क्रोमियम के अंदर जो स्टेबिलिटी आई है उसके रीजंस क्या है, ठीक है। हाफ फिल्ड लिख देते हैं स्टूडेंट्स, फुल फिल्ड लिख देते हैं, लेकिन हाफ फिल्ड फुल फिल्ड तो है, लेकिन हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होने से हुआ क्या, ये हुआ कि ज्योमेट्री उसमें एक रीजन था और एक्सचेंज एनर्जी एक रीजन था। तो एक्सचेंज एनर्जी आपको समझ में आ गई कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो पैरेलल स्पिन के एक ही सबशेल के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं तो अपनी पोजीशन सेम स्पिन वाले के साथ में, पैरेलल स्पिन वाले के साथ में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जितनी ज़्यादा वो पोजीशन एक्सचेंज करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज करेंगे, विच इज़ कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी, और उतनी ही उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि एक्सेप्शन नहीं बना, वो D4 कॉन्फ़िगरेशन में ही हम अगर देखें कॉपर को, तो उसके अंदर एक्सचेंजेस कितने पॉसिबल है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, यहाँ पर फर्स्ट के लिए फर्स्ट एक्सचेंज, सेकेंड एक्सचेंज एंड थर्ड, यानी पहला इलेक्ट्रॉन 3 एक्सचेंज कर सकता है अपने पैरेलल स्पिन्स वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ में डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो में जो प्रेजेंट है और एक ही सबशेल में है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एक्सचेंजेस बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सबशेल इन अ डीजेनरेट ऑर्बिटल। यहाँ पर देखें सेकेंड के अंदर ये दो एक्सचेंज पॉसिबल है, यहाँ पर 2 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल बाय द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, एक ये एक्सचेंज एक ये एक्सचेंज, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है, जितनी बार एक्सचेंज करेगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी विच इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी, और जितनी ज़्यादा रिलीज होगी वो स्टेबिलिटी देगी। तो यहाँ पर थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए देखें, वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के साथ में, तो एक एक्सचेंज पॉसिबल है यहाँ पे, 2 एक्सचेंज या यहाँ पर 3, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने पॉसिबल है यहाँ पर 6, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने पॉसिबल है 6। लेकिन अगर वो होता हमारे पास D5 कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि यहाँ पे कॉपर अगर एक्सेप्शन शो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने D5 लिया, और D5 उसने क्यों लिया है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गए हैं। कैसे बढ़ गए हैं कि अगर 5 ले रहा है तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन कितने पैरेलल स्पिन्स के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है, 4 एक्सचेंज, 1, 2, 3 एंड 4। सेकेंड इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ चेंज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है। तो 4 ये हुआ, 3 ये हुआ, थर्ड इलेक्ट्रॉन 2 पोजीशंस चेंज कर सकता है, यानी यहाँ पे 2 एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं और यहाँ पर 1 एक्सचेंज पॉसिबल है। तो अगर हम टोटल एक्सचेंजेस यहाँ पर काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने आ रहे हैं, 10, 10 फॉर कॉपर विद एन एक्सेप्शन ऑफ D5 कॉन्फ़िगरेशन, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन D5 है और D4 है तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस 6। तो जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे, यानी तो D5 एक्सचेंज जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं D4 के कंपैरिजन में।
जो कि 10 है इन कंपैरिजन टू 6 फॉर d4 कॉन्फ़िगरेशन, तो इस वजह से स्टेबिलिटी आई है। तो ये दो रीजंस को आप एक्सप्लेन करेंगे, इसी तरह से जो है फुल फील्ड के लिए एक्सप्लेन करेंगे और इसी तरह से हाफ फील्ड के लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो हाफ फील्ड के अंदर कितने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हो गए यहाँ पर, 10 फॉर d5 एंड ऑल्सो द रीजन ऑफ सिमिट्री। तो यहाँ पर ये दोनों रीजंस को आप बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसी तरह से हम दूसरा जो है हमारे पास कॉपर, उसके लिए भी रीज़न को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था आज का जो टॉपिक था कि एक्सेप्शंस को हम एक्सप्लेन कैसे करें और क्या रीजंस हैं। ये आपके क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप होपफुली सारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। तो अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।